Before we move on, please click on the subscribe button to get the latest video update. हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके बारे में। यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल यूपी गवर्नमेंट का डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल है फॉर द स्कॉलरशिप्स जो वो ऑफर करते हैं यूपी के डोमिसाइल बच्चों के लिए। आप देख सकते हैं जैसे कि ये पोर्टल हमारा खुला हुआ है scholarship.up.nic.in, ये इस पोर्टल का URL है। इसको हम जनरली सक्षम पोर्टल के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं सक्षम स्कॉलरशिप एंड फी रिइंबर्समेंट ऑनलाइन सिस्टम। इस पोर्टल के थ्रू आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं रजिस्टर करके, एंड देन उनका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि क्या है आपके स्कॉलरशिप एप्लीकेशन का स्टेटस। तो सबसे पहले अगर हमें रजिस्ट्रेशन शुरू करना है तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स इस पर अवेलेबल हैं। तो जो मेजर टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स इस पर अवेलेबल हैं वो प्री मेट्रिक एंड पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप है फॉर जनरल एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी स्टूडेंट्स, सभी के लिए ये स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। कैटेगरीज जो हैं वो है प्री मेट्रिक फॉर क्लास 9 एंड 10, पोस्ट मेट्रिक फॉर क्लास 11 एंड 12, पोस्ट मेट्रिक अदर दैन इंटर दैट मीन्स द स्टूडेंट्स जो 12 के बाद की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए, पोस्ट मेट्रिक आउटसाइड स्टेट यानी जो यूपी डोमिसाइल के बच्चे हैं जो कि आउटसाइड द स्टेट के इंस्टीट्यूशंस में पोस्ट मेट्रिक लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप। तो अगर हमें रजिस्ट्रेशन बिगिन करना है तो रजिस्ट्रेशन आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो आप इसे ही देख सकते हैं, स्टूडेंट का टैब है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे आपका पेज लैंड होगा। ये रजिस्ट्रेशन पेज आता है, आपको हर तरह की स्कॉलरशिप, आप देखिए जितनी भी टाइप्स की स्कॉलरशिप है अब आप देख सकते हैं। अगर आप फ्रेश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फ्रेश एप्लीकेंट हैं तो फ्रेश के सेक्शन के अंदर में आप अप्लाई करेंगे। अगर आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत है, रजिस्टर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है फॉर द स्कॉलरशिप। आप देख सकते हैं प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप एस सी एस टी जनरल कैटेगरी के लिए फ्रेश के आप यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। पोस्ट मेट्रिक के लिए यहाँ पे अदर देन इंटरमीडिएट और पोस्ट मेट्रिक अदर स्टेट के लिए इस तरह से सब कैटेगरीज का अलग अलग दे रखा है, आप देख सकते हैं। और ऐसे ही रिन्यूअल के लिए भी दे रखा है, क्योंकि अभी एप्लीकेशन बंद हो चुकी हैं तो अगर हम ओपन करेंगे तो ये आप देख सकते हैं लास्ट डेट एंडेड फॉर द प्रोसेस आ रहा है। इसको जब भी डेट्स ओपन होती हैं, ये एप्लीकेशन विंडो ओपन होती है तभी ये पेज खुलते हैं। एक तो प्रोसीजर ये हुआ कि आप यहाँ के सेक्शन पे जाकर के अप्लाई कर रजिस्टर कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपके पास में ये है कि जहाँ पे ये स्कीम्स लिस्टेड हैं आप देख सकते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन का बटन आपको दिख रहा है, टैब दिख रहा है। ये लास्ट डेट के साथ में लिखा हुआ है क्योंकि इसकी लास्ट डेट निकल चुकी है, तो ऑफकोर्स ये लास्ट डेट अभी रजिस्ट्रेशन खुलेगा नहीं, बट मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये रजिस्ट्रेशन पे आपने जब क्लिक किया तो इस तरह से आपका ये आया, हर कैटेगरी वाइज फ्रेश रिन्यूअल, फ्रेश और रिन्यूअल के टैब्स बने हुए हैं। जो भी कैटेगरी के हैं स्टूडेंट हैं आप, आदर आप फ्रेश के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप इन रिस्पेक्टिव टैब्स को क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि इसके अभी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं तो ये अभी खुल नहीं रहा है, देख सकते हैं आप लास्ट डेट एंडेड फॉर द प्रोसेस बता रहा है। तो इसके साथ ही अगर आप देखना चाहेंगे, मैं दिखा देती हूँ, तो ये तरीका है आपके रजिस्ट्रेशन करने का। रजिस्ट्रेशन इज़ बहुत हेक्टिक टास्क नहीं है, रजिस्ट्रेशन आप बहुत सिंपली तरीके से अपना कंप्लीट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो एप्लीकेशन प्रोसीजर आपको फर्दर फॉलो करना होता है उसके लिए आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना होगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही।